का रायपुर में सुबह 8 बजे पदयात्रा निकाली गई, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बच्चों के साथ पदयात्रा की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जयस्तंभ चौक से गांधी मैदान तक बच्चों के साथ पैदल चले। इस दौरान बच्चा बच्चा गांधी थीम पर 1000 बच्चे बापू की वेशभूषा में नजर आए। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी पी एल पुनिया ने भी शिरकत की। पदयात्रा के बाद आम सभा हुई, जिसे संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में शामिल बच्चों और आम लोगों को गांधी दर्शन की जानकारी दी। पूरे दुनिया में गांधी जी की जयंती मनाई जा रही है, जिन्होंने शांति के, अहिंसा के, सत्य के रास्ता बतलाया। और आज छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में बच्चा बच्चा गांधी इस कार्यक्रम में जयस्तंभ चौक से लेकर गांधी मैदान तक के पदयात्रा बच्चों के साथ हम लोग कर रहे हैं। ये बच्चे गांधी की वेशभूषा में हैं और बहुत ही सुंदर दृश्य है। जो संदेश गांधी जी ने दिया था, आज वही संदेश हमारे बच्चे पूरे देश को, दुनिया को दे रहे हैं कि शांति का कोई विकल्प नहीं है, सत्य का कोई विकल्प नहीं है, अहिंसा का कोई विकल्प नहीं है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती आज है और इस मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जयस्तंभ पर एक पदयात्रा का आयोजन होना है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया मौजूद हैं, वो भी इस पदयात्रा में शामिल होंगे और तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। कुछ देर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पहुँचेंगे, उससे पहले छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया से बातचीत हम करेंगे। सर, गांधी जी की 150वीं जयंती है, पूरे देश में कार्यक्रम हो रहा है, प्रदेश में